आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। जी, आई एम द उमर ककरू फ्रॉम बारामूला। तो आवर टीम जो है वो बारामूला क्रिकेट क्लब के नाम से खेल रही थी यहाँ पे, और जो कि इस टूर्नामेंट के बारे में बोलूँगा, जो कि चीफ मिनिस्टर्स कप यहाँ पे खिलाया जा रहा है, हम जो कि मैं आपको क्या बताऊँ कि जो अरेंजमेंट्स यहाँ पे है बिल्कुल एक क्लास अरेंजमेंट्स है, जो कि ग्राउंड की जो ग्राउंड स्टाफ हो, जो भी यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हो, हम उनको दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कि तैयारियाँ उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए की है, खासकर इस ग्राउंड को लेके, विकेट को लेके, हमारा जो एकोमोडेशन था, खाना पीना रहना, हम वी आर वेरी थैंकफुल फ्रॉम अवर हार्ट। और हम चाहेंगे कि अगले साल भी ऐसे टूर्नामेंट्स हो, क्योंकि हमें तो टाइम वहाँ मिलता नहीं है सर्दियों में, तो सर्दियों में अगर आप यहाँ पे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, इट विल बी अवर ग्रेट प्लेजर टू कम हियर एंड प्ले दिस लाइक दिस टाइप लाइक ऑफ टूर्नामेंट्स। आपकी टीम आज बहुत अच्छा खेली, हालांकि स्कोर कम था, कहीं कहीं आपने फाल्टर किया और फिर बगैर आपने बहुत अच्छा मैच संभाल लिया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी। आप अपने किन प्लेयर्स को ज़्यादा आप समझते हैं कि वो आपके लिए बड़ा यूज़फुल रहे आज? मैं इस मैच के बारे में आपको बताऊं कि जो ही हमारा टॉस करने के लिए गए तो हमारी फील्डिंग आई, तो फील्डिंग में हमारे मोइन है बॉलर, जहांगीर लोन जो कि एक्स रणजी ट्रॉफी T20 प्लेयर भी है, खेले हैं तो, और हमारे खिलाड़ी है यहाँ पर, उनने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो उसके बाद जो बैटिंग का था थोड़ा बहुत लड़खड़ाए प्लेयर्स, बट वो है हमारे पास बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिनने बहुत ही संभाल के, जुबैर डार जिनने बहुत ही जारहाना अंदाज से बैटिंग की, शेख आमिर जो कि हमारी टीम के बहुत सीनियर प्लेयर हैं। तो ऐसे मौके आते हैं कि जब कहीं टीम लड़खड़ाई जाती है, लेकिन होप्स हो कि ऊपर वाले की मदद से कि हमने ये मैच जीत लिया। बैट्समैन एक भी तो अच्छा था यासिर, हाँ आपकी टीम ने बहुत अच्छा एक सेगमेंट पे आपके आकर के बड़ा अपने अपने आप को ग्रिट दिखाई और आप जीत गए, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। और अब आप क्वार्टर फाइनल्स में हैं और आपका इंशाल्लाह मैच अब जो है वो स्टेज ऐसी आ गई कि आपके मैचेस जो वो टफ और भी टफ हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और आपसे आपको ये भी प्रेयर भी करता हूँ कि आप आगे भी मैचेस जीतें और अपने अपने बारामूला का नाम ऊंचा ले जाएं। थैंक यू।